हेलो सलाम नमस्ते केम छो और आज के नए वीडियो में और नई जगह पे आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं हूँ दमन में। यहाँ पे दूर दूर से काफ़ी लोग खाने पीने के लिए आते हैं और पिकनिक के लिए आते हैं, रिलैक्स करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट है और बीच है। दमन केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात से बाउंड्री शेयर करता है और गुजरात का गोवा है ये। जिस तरह से गोवा में सारे रिसोर्ट बीच वगैरह है, वैसे दमन में भी है। हालांकि दमन छोटा है, इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा गोवा है। तो यहाँ का नज़ारा और यहाँ का एटमॉस्फेयर गोवा से काफ़ी मिलता है। और पूरा समुद्री एरिया है, बीच है सारे। इस वक्त मैं भी देखो बीच के किनारे किनारे चल रहा हूँ। ये लंबी सी रोड बनाई हुई है जो बीच के किनारे किनारे होते हुए आगे जाती है इस तरह से। तो अच्छा नज़ारा है और आपको बीच पर ले जाता हूँ मैं। वॉकवे बना हुआ है लंबा सा, यहाँ पर सुबह शाम टहलने का मज़ा ही अलग आता होगा क्योंकि एकदम पास में बीच है और ये अच्छा सा साफ़ सुथरा वॉकवे बना हुआ है। और इसके पास में ये सब छोटे छोटे फूल झाड़ियाँ लगी हुई है, तो काफ़ी बढ़िया और सुंदर नज़ारा है ये। तो शानदार जगह है, आप देखो बहुत अच्छा इस बीच को डेवलप किया है। पूरी लंबी सी वॉकवे बनी हुई है और ये बैठने के लिए भी जगह है। काफ़ी लोग देखो बैठ के चिल करते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा जगह है। और पानी भी एकदम नज़दीक में है, यहाँ से नीचे ही पानी है। और इन पत्थर को देख के आपको मुंबई का मरीन ड्राइव याद आएगा। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो इस समय लोग थोड़े कम हैं और हॉट डे है, आज ट्यूसडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अच्छे से आपको दिखाता हूँ मैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं। मुंबई की मरीन ड्राइव याद आती है इन पत्थरों को देख के। तो बहुत अच्छा बीच है ये और मेन बीच नहीं है, ये खाली एक रोड पे बनाया हुआ है पत्थर डाल के। मेन बीच जो है वो आगे है, लेकिन ये भी काफ़ी सुंदर है। तो अभी यहाँ से मेन बीच की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले ये बीच देख लेते हैं। तो एकदम पास में पानी है, देखो आप यहाँ बैठोगे आपके पास में पानी आएगा। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, क्या बताऊँ मैं यहाँ 10-15 मिनट बैठने वाला था, लेकिन पता ही नहीं चला कब मुझे यहाँ पे बैठे बैठे 40 मिनट निकल गई। तो बहुत अच्छी जगह है। और आप देखो पूरे सारे पत्थर पड़े हैं, पीछे पूरा वो सब बना रखा है। और यहाँ पर भी पत्थर है सारे लंबे, और वहाँ पर पीछे समुद्र है। तो बैठे बैठे समुद्र को देखते देखते ही 40-45 मिनट निकल गई। पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दमन बड़ा फेमस है। और अगर आपने दमन नहीं देखा है, अगर आप गुजरात साइड में आ रहे हो तो ज़रूर आना यहाँ पर। गुजरात का गोवा है ये। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है। जितना लंबा चौड़ा ये रोड है उतनी लंबी पार्किंग है, तो आप गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हो। बाकी आप यहाँ का नज़ारा देखो कितना बढ़िया है। यहाँ पर पब्लिक कम है, मेन बीच पर पब्लिक ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर वो जो राइड्स वगैरह सब कुछ वहीं पर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बैठने के लिए और फोटोग्राफी के लिए है। बढ़िया सी बेल तैयार हो रही है, बेल खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। हाँ सर, पानी का वाटर सामने मिलेगा। ये जमकोर का मेन बीच है और यहाँ पे आपको थोड़ी पब्लिक भी दिखेगी। देखो आप, ऊँट की सवारी वगैरह हो रही है। अच्छा नज़ारा है अभी यहाँ पर। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ पर खाने पीने को काफ़ी सारे स्टॉल थे, तो अभी वो सब हटा दिए गए यहाँ से। बाकी आप देखो नज़ारा अच्छा है यहाँ पर। यहाँ से हम आए नीचे और पानी कितना पास में, देखो आप बिल्कुल पास में है। यहाँ पे बैठने की जगह है, देखो ये सारे पेड़ है। यहाँ पर लोग आराम से बैठते हैं अपनी गाड़ी पार्क करके नीचे और पिकनिक मनाते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं। चार बजने वाले हैं लगभग, तो पानी पास में आ गया है और 4 बजे के बाद ये पानी धीरे धीरे पीछे जाएगा। तो अभी अच्छा खासा पानी नज़दीक आ गया है। अच्छा है, नज़दीक में ही है पानी एकदम। और अभी बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ पर वाटर एक्टिविटी बंद है। तो पानी देखो मेरे पास तक आ गया है, इतना ऊपर तक आ गया है। तो अच्छी जगह है, अगर आप नज़दीक में हो और गुजरात के विजिट पर हो तो यहाँ पर आके जाना। बीच पे मैं काफ़ी समय बैठा था और काफ़ी रिलैक्स किया, मज़ा आया। तो कुछ साथी मिल गए मुझे। तो मेरे साथ में है ये प्रतीक भाई, प्रतीक माथुर किया। तो प्रतीक भाई है, ये गुजरात सौराष्ट्र के हैं और आप बिहार के बेगूसराय के। क्या नाम आपका? रजनीश कुमार। रजनीश भाई, तो ये दो दोस्त मिल गए थे तो इनके साथ बैठा था, अच्छा लगा। तो काफ़ी सारी पब्लिक है, देखो आप शाम का वक्त हुआ है इसलिए काफ़ी पब्लिक आई है अभी यहाँ पर। कितना लेते हो एटीवी का चार्ज? 150। और कितना चक्कर करते हो? अप डाउन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर घुमाएंगे आपको, 150 रुपये लेंगे। उसके अलावा मानसून है इसलिए यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स बंद है। बाकी अक्टूबर के बाद से यहाँ पर आपको वाटर स्पोर्ट्स भी मिलेगा, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो, स्कूटर मिल जाएगा आपको और बलून वगैरह जो राइड्स होती है वो भी होती है यहाँ पर। तो आप आना, यहाँ पर अच्छी जगह है, अच्छा प्लेस है। बग्गी का कितना रुपए लेते हो? 50 रुपये एक आदमी का। तो बग्गी भी मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर 50 रुपया लेते हैं एक राइड का, एक पर्सन का। आ गए हैं फिर से वहीं पर जहाँ से शुरुआत की थी, और नज़दीक में ही फोर्ट है यहाँ पर। ये आपको दिखेगा आगे, और लंबा सा जो टावर दिख रहा है उसके पास में ही फोर्ट है। तो यहाँ से चलते हैं अभी फोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा रहा था, तो ये लड़की मेरे पास में आई, क्या नाम है? प्राची। इसने बोला अंकल हमारी फ़ोटो खींच लो। किसका बर्थडे है आपका? हाँ। क्या नाम है आपका? महक का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे महक, थैंक यू। तो अभी इन लोगों का फोटो खींच देता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे आपको, ठीक है? हाँ, तो इनका फोटो सेशन हो गया, अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो फोर्ट की तरफ जा ही रहा था कि एकदम तेज बारिश आ गई। तो यहाँ पर इस पिलर की छाया में खड़ा हूँ, तो बहुत तेज बारिश आ रही है। इंतजार करेंगे बारिश के बंद होने का। लगता नहीं है जिस हिसाब से बारिश आ रही है कि जल्दी बंद होगी। छुपने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दो बंदे और हैं मेरे साथ, छोटे से पिलर के नीचे छुपे, लेकिन लगभग तो भीग ही गए काफ़ी तो अब, क्योंकि हवा इतनी ज़ोर से बारिश हवा के साथ आ रही है। बेल वाले भैया भी देखो इधर खड़े हैं बारिश से बचने के लिए, बेल का कटोरा रखा हुआ उधर। और ये सब बारिश में कैसा हो गया है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, ज़बरदस्त बारिश आ रही है। तो बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो गया और मैं पूरा भीग गया हूँ। फोर्ट पे जाना होगा नहीं अभी, क्योंकि लगभग आधा पौना घंटा हो गया है बारिश को आते आते। तो भीगते भीगते व्लॉग बना रहा हूँ। तो एक घंटे से वेट कर रहा हूँ बारिश बंद हो जाए, लेकिन बारिश है कि बंद ही नहीं हो रही है, और पूरा भीग गया हूँ मैं पूरी तरह से। तो अभी आगे वीडियो बन नहीं पाएगा, तो आज मैं यहीं स्टे करूँगा, और जो आपको दिखाना बाकी है वो मैं आपको कल दिखाऊँगा।